राम राम किसान भाइयों, एक आज नई वीडियो में स्वागत है। और आज अपने पास दो ट्रैक्टर हैं, फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स और भाइयों न्यू हॉलैंड 3630। दोनों ही 55 एचपी कैटेगरी में ट्रैक्टर आते हैं और दोनों ट्रैक्टर बहुत लाजवाब हैं। अगर इस ट्रैक्टर की बात करें, इसको पंजाब का किंग बोला जाता है और ये भी भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, फार्म ट्रैक 60। आज इन दोनों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, कौन से गियर में कौन सा ट्रैक्टर फास्ट जाता है। क्योंकि ऐसा है, देखो कुछ ट्रैक्टर होते हैं कि उनकी रीपर के हिसाब से चाल होती है, वो क्षेत्र के हिसाब से डिज़ाइन करती है कंपनी कौन सा किस क्षेत्र में बेहतर है, और कुछ की रूटावेटर पर चाल, क्योंकि सेकंड के लो में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्रैक्टर को रूटावेटर पर। तो आज दोनों की स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, दोनों की इसी बात पर कंपेयर होने वाला है कि भाई कौन सा ट्रैक्टर किस लिए बेहतर है, किस चीज़ में आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। और थोड़ी सी मैं इन दोनों की जानकारी बता देता हूँ। ये फार्म ट्रैक 60 जो है 55 एचपी में आता है और ये T20 गेयर बॉक्स में मिलेगा भाइयों देखने के लिए। और अगर वहीं न्यू हॉलैंड की बात करें तो न्यू हॉलैंड भी 55 एचपी में मिलेगा। ये विद टर्बो प्लस ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर की बात करें तो 12+3 UG गेयर बॉक्स में आता है। और भाइयों ये और स्पेशल एडिशन दोनों सेम ट्रैक्टर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़े से बेसिक फीचर्स जो हैं वो अलग हैं। जैसे कि आपको उसमें कलर थोड़ा सा बेहतर मिलता है, इससे कलर सेम मिलेगा पर कलर की क्वालिटी बहुत बेहतर मिलती है। और हाँ भाइयों एक बात और, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगा करे तो कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हाँ भाइयों एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें किसी भी ट्रैक्टर का ये नहीं है कि यार ये इस चीज़ में बेकार है या इस चीज़ में बेकार है, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं है। सिर्फ मैं आपको एक स्पीड टेस्ट करके दिखाना चाह रहा था कि हाँ कौन से की चाल ज़्यादा है किस गियर में। तो वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं, आपको जो भी रिजल्ट आता है वो आपके सामने होगा। तो दोनों तो मैं कह देता हूँ लो में लगा लो, एक बार लो में लगाना है 1000 RPM करके। कर लो और लो में कर लो इसको, ये बस हाँ लो के पहले में। इसके भी एक बार RPM चेक करा देता हूँ मैं। हाँ ये पूरे 1000 ही है, दोनों ट्रैक्टर बराबर है, ये देख लो आप। तीन कहने पे करियो, 1 2 3। देखो भाइयों इसकी चाल काफी है और रीपर में वो बहुत बेस्ट रहेगा, जो रीपर वाले किसान हैं मैं उनके लिए बता दूं। रोक लो, तो रीपर वाले किसान के लिए आप देख सकते हो कितना अंतर है दोनों ट्रैक्टरों में। ये रीपर के हिसाब से बहुत बेहतर है और ये आपको मिलेगा उसमें। बराबर कर लो इसको और करो थोड़ा सा आगे, बस अब ओके है। अब दूसरे में कर लो, लो के दूसरे में। एक बार मैं उसको T20 को दिखा देता हूँ, इसने भाई ने मेरे ख्याल से वो हॉर्स में कर रखा है, इसने हॉर्स में कर रखा। और 1 2 3 भाइयों दूसरे के लो में भी इसकी चाल काफी है, तो ये जमीन रूटावेटर पर तो काफी निकाल लेगा। पर बैक लगा देना, बैक लो का बैक लगाइए। देखो सेम है भाई, 1 2 3। भाइयों इसकी चाल लो में बहुत ज्यादा है और ये हॉर्स में हो रहा, काफी चाल है इसकी। और अब इसे गेंडे में करके देखेंगे, ये लो के हॉर्स में हो रहा था, अब गेंडे में करेंगे इसके, और अब देखेंगे क्या बराबर चाल आती है या नहीं आती। देखो ट्रैक्टर बिल्कुल बराबर है, अब लो के उसमें कर ले। चलो तुम तो वैसे ही रहना, तो यो करेगा चेंज। 1 2 3 देखो भाइयों गेंडे में भी थोड़ी सी ज्यादा है इसकी चाल, बैग में ये गेंडे में है, मैं दिखा दूं, वो कह रहा किसान ये गेंडे में है, बाकी में भाइयों गेंडे में ही है, और बाकी में इसकी थोड़ी चाल ज्यादा है इसकी। और अब उस ट्रैक्टर को मीडियम में कराएंगे और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है। अब भाइयों न्यू हॉलैंड तो करवा दिया है मीडियम में और ये करा दिया है हॉर्स के पहले में, लो में वो मीडियम के पहले में है। जब मैं 3 कहूँगा, 1
दो तीन। अब चाल देखो भाई, न्यूलैंड के मीडियम के पहले में, और ये हॉर्स के लो के हॉर्स में है ये पहले में। और चाल देखो भाई कितनी ज्यादा है इसकी, इससे बहुत ज्यादा चाल है ट्रैक्टर से। और कहाँ पहुंच गया, बस रोक लो। अब भाइयों दोनों लो के दूसरे में करा दिया है, ये हॉर्स पे है और ये लो के दूसरे में है। एक दो तीन। अब देखो भाइयों चाल, ये रूटावेटर की चाल है, क्योंकि हमारे यहाँ रीपर तो चलता नहीं है, क्योंकि गन्ने का खेती होती है इधर, तो उसके हिसाब से हमें तो रूटावेटर पे चाल चाहिए। रूटावेटर के हिसाब से ये बहुत बेहतर है। और भाइयों अगर रीपर की बात करें तो रीपर में न्यू ऑलैंड बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। तो आप देख सकते हो दोनों में कितना अंतर है दोनों की चाल में। अगर भाइयों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।